गोविंदपुरी के ट्रांसिट कैंप के एक मकान में गैस लीक होने से लगी आग, आग से फटा सिलेंडर, बाल बाल बची कई जिंदगी। दिल्ली के एक गोविंदपुरी के ट्रांजिट कैंप इलाके में 20x20 बने मकान में खाना बनाने के दौरान लीक हुई गैस से आग लगने के बाद सिलेंडर हुआ ब्लास्ट, बाल बाल बची माँ और माँ की 5 बच्चियां। मौके पर ही पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि आग गैस लीक होने के कारण लगी थी, जिसकी पुष्टि उसी परिवार ने की है। ये आग रविवार की शाम 4 बजे के आसपास लगी थी, जिसमें जो खाना बनाने के लिए जा रही थी तभी जो रेगुलेटर था उससे गैस लीक हो रही थी और उसके कारण आग लगी और आग के बाद सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। उससे पहले ही 5 बच्ची जो कमरे में थी उनको बचा लिया गया। जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो एक वीडियो सामने आया इसके अंदर किस तरह से जो आग लगी थी और आग के दौरान ब्लास्ट इतना हुआ कि आसपास के मकानों में भी दरार आ गई है। बहरहाल इसमें सभी की जिंदगी बच गई है और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। इस मामले पर हमने रविवार की रात उसी परिवार वाले से जाकर हमने बात की तो उन लोगों का क्या कहना था, सुने आप बाइट। रजनी जी, क्या हुआ था आपके साथ, क्या घटना घटी थी? हमारे सिलेंडर में आग लग गई। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद मतलब हमारे देवर आ गए, उनने सबने निकाला, मैंने मतलब पैरदान डाला उसमें गीला करके सिलेंडर पे, बच्चों को निकाला बाहर, सब पड़ोसी आ गए, मतलब इतने सारा सामान सारा जल चुका था, सिलेंडर फिर फट गया एकदम से। रोहित जी, क्या हुआ था यहाँ पे? आपने बच्चों की जान बचाई है और परिवार की जान बचाई, क्या हुआ था, कैसे जान बचाई है? ये लोग चाय बना रहे थे तो इन्होंने रेगुलेटर लगा के चाय गैस चालू कर रहे थे, उतने में गैस चालू करी और सिलेंडर में एकदम से पकड़ लिया रेगुलेटर में। हाँ। तो इन्होंने बुझाने की कोशिश करी, तो मतलब फिर बीच में जो लोग थे उन्होंने मेरे को जगाया, मैं आया ऊपर, तब मैंने देखा तो बेड में मतलब आग पकड़ चुकी थी, मैंने बुझाने की कोशिश करी, बहुत बुझी नहीं आग, तो मैंने बच्चों को सब, एक बच्चा तो फंस गया था पलंग पे, तो मैंने उसे निकलवाया जल्दी से, उसे निकाल के 5 भाभी सबको बाहर भेजा, मैंने सबके सब बाहर जाओ, उसमें अब ये आग काबू पकड़ रही है। इस चक्कर में फिर मैं थोड़ा बहुत बुझाने की कोशिश करी, तब भी तो बुझी नहीं, बस इतने में थोड़े फिर सबको बाहर निकाल के इतने सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। तो कहीं तो कितना नुकसान हुआ, क्या क्या? सर पूरा सब चीज़ जल गया, कुछ नहीं रहा इनके पास। जैसे कि कब तक वो चीज़ वगैरह थी इनके, आधार कार्ड कागज वगैरह सब चीज़ जल गया, कपड़े वगैरह कुछ नहीं रहा इनके पास। अब ये एक तरह से सड़क पर आ चुके हैं अभी। कितने कितने साल के बच्चे थे? बच्चे 1-10 साल के हैं, 8 साल का एक लड़की है, और 5 साल की, 4 साल की, 3 साल की लड़की है इनके पास। तो इनके कोई सहायता कर सके जितने हो सका सहायता करेंगे गली वाले हमारे, और जितना आप बन सकता है आप लोगों से उतना करिए हमारे लिए।